दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से महाजॉब पोर्टल पे हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो महाजॉब पोर्टल है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, उनकी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जो जॉब सीकर्स है जिनको जॉब्स की ज़रूरत है वो इस वेबसाइट के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी एलिजिबिलिटी अपनी स्किल के हिसाब से जॉब्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पे किसी भी ब्राउजर के अंदर गूगल के अंदर mahajobs.maharashtra.government.in ये टाइप करके सर्च करना होगा, या फिर आप जस्ट अगर महाजॉब पोर्टल भी आपने अगर गूगल के अंदर टाइप करके सर्च किया जो पहले फर्स्ट रिजल्ट आएगा उस पर क्लिक करना है और आपको आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। वैसे मैंने इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। तो इस वेबसाइट ओपन होने के बाद में आप सबसे पहले जो इस वेबसाइट को अपने ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिए। तो ये जो वेबसाइट है ये डेस्कटॉप साइट पर ओपन हो जाएंगी मोबाइल के अंदर, ताकि हमको इसके अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन वगैरह फिलअप करने में थोड़ी सी आसानी जाएंगी। अब यहाँ पे इस तरह से कुछ इस वेबसाइट का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दिया है वो लैंग्वेज वो मराठी में, आप चाहे तो इस लैंग्वेज को यहाँ से स्विच ऑफ भी कर सकते हो। इसको आप इंग्लिश से मराठी या फिर मराठी से इंग्लिश में भी इसको स्विच कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मराठी से इसे इंग्लिश के अंदर स्विच कर लिया हूँ। अब यहाँ पे डाउन साइड में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो ऑप्शन दिख रहे हैं, जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन और दूसरा है एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन। तो हमको अगर जॉब चाहिए तो हमें जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में इस वेबसाइट का इंटरफेस इस तरह से ओपन होगा, जहाँ पे हमको हमारी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा, जो हमारा पूरा नाम और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह इस तरह से इसमें इंटर करके हमें सबसे पहले इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर फिलअप कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले आपको जो फुल नेम है आपका जो पूरा नाम है वो आपको यहाँ पे पहले उसमें फिल करना होगा। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है आपके महाराष्ट्र राज्य के अधिवास प्रमाण पत्र है का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं हो या नो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि OTP मिलवा गेट OTP, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएंगे। उस OTP को आपको नीचे भ्रमण ध्वनि क्रमांक OTP मोबाइल नंबर OTP यहाँ पे इंटर करके फिर से उस OTP को आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद में दोस्तों फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ईमेल आईडी का। तो यहाँ पे आपको आपकी जो ईमेल आईडी वो इंटर करना होगा। उस ईमेल आईडी पे आपको फिर से एक OTP आएगा। जब आप इस OTP मिलवा गेट OTP पे आप क्लिक करोगे उस OTP को आपके यहाँ पे इंटर करने के बाद फिर से उस OTP को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे जो रेड स्टार जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी है, मतलब वो आपको फिल करना ज़रूरी है। जैसा कि पूरा नाम आपको देना ज़रूरी है, डोमिसाइल का ऑप्शन हो नहीं ये आपको देना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर का OTP आपको वेरीफाई करना ज़रूरी है। लेकिन ये जो ईमेल आईडी है दोस्तों ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ पे ईमेल आईडी दे सकते हो या तो फिर नहीं भी दे सकते हैं। ये सब होने के बाद में यहाँ पे आपको आपका जो इस पोर्टल के लिए जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। पासवर्ड को इंटर करने के बाद उसी पासवर्ड को फिर से आपको यहाँ पे इंटर करना होगा ताकि आप उसको कन्फर्म कर सको। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये मैंडेटरी है। उसके बाद में डाउन साइड में आप देखोगे यहाँ पे आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, तो इस कैप्चा को आपको दोस्तों यहाँ पे फिल करना होगा। बस इतनी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपको नीचे यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से मैसेज आएगा कि आपकी जो महाजॉब पोर्टल पे जो नोंदनी है जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको अपने उसी मोबाइल नंबर से या जो आपने ईमेल आईडी एंटर किया था उस पासवर्ड से आपको इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना है। तो उसके बाद में इस मैसेज को ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में हम इस वेबसाइट के जो फ्रंट फर्स्ट पेज है उसके ऊपर री इंटर हो जाएंगे। री इंटर होने के बाद में अब यहाँ पे ऊपर जो हमको ऑप्शन दिखाई दे रहा है जॉब सीकर लॉगिन का, तो इस जॉब सीकर लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर हमको क्लिक करना है। जॉब सीकर
लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमको हमारा मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड और कैप्चा है वो हमें यहाँ पे फिल करना होगा। दोस्तों जॉब सीकर लॉगिन के अंदर जो हमने मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड और कैप्चा इंटर कर दिया है, उसके बाद में यहाँ पे डाउन साइड जो लॉगिन का ऑप्शन है, इस लॉगिन के ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है। तो हम इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा जो प्रोफाइल वगैरह है उसको हमको यहाँ पे अपडेट करना होगा और आगे की हमको इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के अंदर फिलअप करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरह से हमें सबसे पहले इस वेबसाइट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस है ये मैंने आपको इस वीडियो में आपने देखा ही। अब आगे हम देखेंगे किस तरह से इस वेबसाइट के अंदर हमारा जो प्रोफाइल वगैरह अपडेट हमें करना है। दोस्तों लॉगिन होने के बाद में इस वेबसाइट का कुछ इस तरह से फिर से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको राइट साइड में टॉप में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जिससे आपने लॉगिन किया वो यहाँ दिखाई देगा और उस पर जब आप क्लिक करोगे तो फिर से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, चेंज पासवर्ड और लॉगआउट। आप चाहे तो यहाँ से लॉगआउट हो सकते हैं। उसके बाद में जब दोस्तों आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे फिर से दो ऑप्शन दिखाई देंगे, डैशबोर्ड वगैरह है और यहाँ पे आपका प्रोफाइल का ऑप्शन या नीचे है आपका होम। तो जब आप इस होम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाएंगे, माय प्रोफाइल, सर्च जॉब और अप्लाइड जॉब। तो माय प्रोफाइल को सबसे पहले हमको क्लिक करके हमारी जो प्रोफाइल है उसे हमें अपडेट करना होगा, उसमें हमको जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो माय प्रोफाइल पे दोस्तों क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि उसको कुछ इस तरह से पेज जो है वो ओपन हुआ है। यहाँ पे हमें अपना प्रोफाइल फोटो अपलोड करना है, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों हमको हमारा जो बायो डेटा है उस बायो डेटा को हमको यहाँ पे अपलोड करना होगा, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके। दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे फिर से हमको दिखाई दे रहा है बहुत सारा ऑप्शन की बायो डेटा, वैयक्तिक माहिती, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एजुकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल डिटेल, लैंग्वेज नोन, विलिंगनेस टू रिलोकेट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमको दोस्तों यहाँ पर फिलअप करनी होंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्टिंग में जो हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल की थी वो तो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, इसको चाहे तो हम इस एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा एड्रेस वगैरह है उसको हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं परमानेंट एड्रेस। उसके बाद में जो हमारी एजुकेशन डिटेल्स है वो सारे के सारे हमको यहाँ पे इंटर करना होगा, हमारा जो वर्क एक्सपीरियंस है, स्किल डिटेल वगैरह। और उसके बाद में जो हमें लैंग्वेज का जो हमें ज्ञान है कि कौन सी लैंग्वेजेस हम अच्छी बोल सकते हैं या समझ सकते हैं, वो सारी लैंग्वेजेस हमको यहाँ पे एडिट करके इंटर करना होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे स्थलांतर करने की इच्छा, विलिंगनेस टू रिलोकेट। जैसा कि अगर ये जो वेबसाइट है, ये पोर्टल है, ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए, तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर बहुत सारे जिले हैं, तो अगर हम किसी दूसरे जिले में काम करने के लिए रेडी है तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है लास्ट में वो हमें यहाँ पर इंटर करना होगा, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और अगर आप में हमें अगर कोई स्किल्स वगैरह है तो उसका सर्टिफिकेट हमें यहाँ पर इंटर करना होगा। तो ये दोस्तों इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करने के बाद में, अपडेट करने के बाद में यहाँ पे जो हमारा प्रोफाइल है वो पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और प्रोफाइल जब हम अपडेट करेंगे तो हमारी प्रोफाइल के अंदर हम जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, जो भी हम स्किल्स वगैरह, हमारा एजुकेशनल डेटा वगैरह जितना भी जो हम उसमें इंटर करेंगे उसके हिसाब से दोस्तों हमको यहाँ पे जॉब्स हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको फिलअप करके नहीं बताऊंगा कि ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आप अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो किस तरह से यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करने के बाद में फिर से हमें उसी ऑप्शंस के ऊपर जाना होगा, हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। और डैशबोर्ड के ऊपर जाने के बाद में वहाँ से दोस्तों हम फिर जो है यहाँ से जो हम जॉब्स वगैरह है उसको सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्च जॉब के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको जॉब को सर्च करने के यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, जितने भी जॉब्स वैकेंसीज यहाँ पे हमें दिखाई देती है। जैसा कि यहाँ पे सर्च जॉब पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमको दिखाई दिया कि स्किल कैटेगरी के ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि हम अनस्किल्ड है या फिर हम स्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है, तो वो ऑप्शन हमको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद में सेलेक्ट स्किल सेक्टर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फिर
यहाँ पे हमको जब हम यहाँ पे स्किल वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे फिर से हमको स्किल सेक्टर को जो है वो हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे स्किल सब सेक्टर हमको सिलेक्ट करना होगा। ओके, ये सारी के सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दोस्तों हमको यहाँ पे पूरा फिलअप करना होगा। एजुकेशन, तालुका, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह, यहाँ पे सब हमको सिलेक्ट करना होगा। सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद में हमको दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में हमको यहाँ पे हमारे जो इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड हमें यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स दिखाई देंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि अभी बहुत सारी यहाँ पे ऑलरेडी जॉब जो है वो यहाँ पे वैकेंसीज वगैरह दिखाई दे रही है। कंपनी नेम महिंद्रा व्हीकल मैन्युफैक्चर लिमिटेड, नंबर ऑफ वैकेंसीज 500, वेबसाइट वगैरह, कंपनी नेम, ये सारी के सारी आप यहाँ पे देख सकते हो। कितने सारी ऑलरेडी यहाँ पर जो कंपनीज वगैरह हैं उसकी वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद में स्किल कैटेगरी जो यहाँ पे दिया है कि अनस्किल्ड, मतलब कि ये जो कंपनी है यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली है महिंद्रा व्हीकल मैन्युफैक्चर लिमिटेड, तो दोस्तों यहाँ पर जो स्किल कैटेगरी वो अनस्किल्ड है, मतलब यहाँ पर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और ये जो दूसरी कंपनी के अंदर जो वैकेंसी निकली है पाहवा मेटल टेक प्राइवेट लिमिटेड, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2, तो यहाँ पे दोस्तों जो स्किल कैटेगरी है वो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड है, मतलब आप में कुछ ना कुछ स्किल या थोड़ी बहुत भी स्किल होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप इस वेबसाइट के ऊपर अपने रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद में लॉगिन करके उसके बाद में प्रोफाइल के अंदर जाके अपनी आपको पूरी डिटेल प्रोफाइल आपको अपडेट करना होगा। सारी प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में फिर आपको सर्च जॉब के ऊपर क्लिक करना होगा और सारी फिर से सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद में दोस्तों आप अपने मनपसंद जो भी आप जिस जॉब में आप एलिजिबल हो वो जॉब आपको यहाँ पे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह से आप महा जॉब पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करके जो अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो और एक अच्छी से अच्छी जॉब आप वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।